कोरोना वायरस के इस संकट काल में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने सराहना की महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार की। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कदम ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी। एक तरफ कोरोना वायरस को लेकर महाराष्ट्र में त्राही त्राही मची हुई है, अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा कर रही है। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जी महाराष्ट्र सरकार के काम को लेकर वे संतोष जता रही है। किस बात का संतोष है उन्हें? इस महाराष्ट्र की भूमि पर बेबस होकर तड़प तड़प कर लोग अस्पताल के द्वार पर अपना प्राण त्याग रहे हैं, इस बात का उन्हें संतोष है? या छोटी सी एम्बुलेंस में 22 शवों को लाद कर उनके साथ जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता, इतना बदतर व्यवहार इस महाराष्ट्र की भूमि पर हो रहा है? एक ही बेड पर एक शव और उसके बगल में मौत के साथ झूझने वाला कोरोना का मरीज रखकर उसके साथ इलाज हो रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन ऑक्सीजन की किल्लत के कारण या लापरवाही की वजह से आग लगने के कारण लोगों की बेबस होकर के मौत हो रही है। किस बात का संतोष है सोनिया जी को? अगर इन बातों से वो अगर संतोष जताती है तो सोनिया जी कौन से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है? क्या इसके पूर्व वाजे जैसे लोगों को पकड़कर उनकी सरकार वसूली वसूली खेल खेल रही थी, महीने के 100 करोड़ रुपए वसूले जा रहे थे, इस बात का संतोष है उन्हें? किस बात का संतोष है उन्हें? इस बात का जवाब सोनिया जी को दे